बन चुका है और लंच बनाने के बाद अचानक ही प्रोग्राम बना कि चलो आज यहाँ पे करीम खुला है तो करीम में कुछ खाना खा के आते हैं, रेस्टोरेंट खुला है तो चलिए देखते हैं वहाँ क्या मिलने वाला है। तो प्रोडक्ट भी हमारे पता लग गया है कि आज जाना है तो देखिए। तो चलिए मैं तैयार हूँ और रवाना हो रहे हैं हम। और इससे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आप सबका मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ जल्दी से जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं करीम रेस्टोरेंट खुला है तो उसमें क्या क्या मिलता है। चलते हैं, नॉनवेज वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ तो मैं देखूँगी कि मेरे को क्या मिलने वाला है। तो मैं तैयार हो गई, फ्रोडो को पता नहीं लगा कि हम बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ हम रवाना हो गए लंच के लिए। और आपको बता दूं कि जो करीम रेस्टोरेंट है वो जोधपुर में नसरानी सिनेमा बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे खुला है। तो यहाँ हम पहुँच गए, या इनकी अंडरग्राउंड पार्किंग है, वहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और लिफ्ट से आप 4th फ्लोर आ जाए। तो ये पहुँच गए करीम, रिसेंटली ही खुला है। करीम का जो नॉनवेज है पूरे इंडिया में फेमस है। रेस्टोरेंट को अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, सिंपल और पर सुंदर सा। देखिए आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि कैपेसिटी भी काफ़ी है बैठने की और सुंदर भी है। मोर मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं जो लगे हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है? तो यहाँ इनसे मीनू कार्ड मंगाया था तो इनसे मैंने पूछा वेज में क्या है, तो इन्होंने कहा वेज में मैडम एग करी मिल जाएगी। मेरे को इतनी जोर की हंसी आ गई क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं खा रही हूँ आजकल, तो फिर मैंने वेज का ऑर्डर देना था। तो यहाँ हम लोग बैठ चुके हैं, यहाँ हमने सीट चेंज कर ली थी, यहाँ सोफे पे आके आराम से बैठ गए थे। देखते हैं खाना कैसा है। ऑर्डर दिया था, आ गया है। सबसे पहले आया है रोस्टेड चिकन जो कि दिखने में तो यम्मी लग रहा है। अब ये लोग खा के बताएंगे कि ये लोग, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं आजकल नॉनवेज नहीं खा रही हूँ तो फिर इसलिए मैं सिर्फ देख ही रही हूँ। नॉनवेज जो लोग खाते हैं उन्हें तो अगर अच्छा नॉनवेज खाना है तो यहाँ आ जाए। और ये आ गया मेरा वेजिटेरियन खाना, वेजिटेबल रायता और वेजिटेबल पुलाव जो दिखने में तो अच्छा लग रहा है। आप खा के देखते हैं। बाकी मेरे को कोई सब्जी वब्जी खाने की इच्छा नहीं थी तो मैंने कहा सिर्फ पुलाव और लेंगे। और यहाँ इनके लिए आ गया रोगन जोश और खमीरी रोटी। खमीरी रोटी दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, पर ये भी खमीरी रोटी भी शायद अंडे से बनती है इसलिए मैंने ली नहीं। और पुलाव और दही खा रही हूँ, रायता खा रही हूँ और बहुत टेस्टी है। तो जो लोग करीम का खा चुके हैं उन्हें तो जमा वचित अपने करीम की याद आ जाएगी। और यहाँ पे आ गया, कैसा है खाने में? बढ़िया, दिल्ली जामा मस्जिद की बढ़िया, जामा मस्जिद की याद आ गई, इतना बढ़िया करीम का ही है तो बढ़िया होगा। चिकन, जहांगीरी चिकन जो इन लोगों ने मंगाया था नॉन वेज में, इन्होंने चिकन, मटन और रोस्टेड चिकन मंगाया। उसके बाद खाना खाने के बाद यहाँ की हमने फिरनी मंगाई क्योंकि फिरनी भी यहाँ फेमस है और देखिए दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। खाने में देख के बताते हैं। और देखिए कुल्हड़ में डाल के दिए हैं इन्होंने, अच्छी सी जमी हुई फिरनी है और बहुत टेस्टी। खाना खा के हम बिल पेमेंट कर रहे हैं तो देखिए इतना सारा खाना खाया जिसका सिर्फ बिल बना 1700 सिर्फ बिल है, जिसमें से 3 नॉनवेज की वैरायटी थी और वेज में पुलाव। यहाँ पे इन्होंने टीवी में करीम का वीडियो चल रहा था जो दिल्ली जामा मस्जिद में करीम है, उसकी ये फ्रेंचाइजी वाली ब्रांच है तो फेमस है करीम के नॉनवेज। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें तो पता ही होगा। और अगर आप अच्छा नॉनवेज खाना चाहते हैं जोधपुर में तो यहाँ एक बार जरूर ट्राई करें।
तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।